सड़ाह के दनोई स्टील ब्रिज की मुरम्मत का काम पूरा। एसडीओ मैकेनिकल की रिपोर्ट आने के बाद चल पड़ेगी गाड़ियां। लोक निर्माण विभाग मंडल संगड़ाह के अंतर्गत आने वाले संगड़ाह रेणुका जी नाहन मार्ग पर मौजूद दनोई स्टील ब्रिज की मुरम्मत का कार्य विभाग द्वारा मंगलवार को पूरा करवाया जा चुका है। मुरम्मत के कार्य का निरीक्षण कर चुके एसडीओ मैकेनिकल रतन सिंह द्वारा रिपोर्ट भेजे जाने के बाद दो तीन दिन में उस उक्त पुल पर पहले की तरह ट्रैफिक व्यवस्था बहाल हो जाएगी। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता संगड़ाह की रिपोर्ट के बाद सोमवार शाम से फिलहाल पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। पुल के क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण उपमंडल संगड़ाह में मौजूद 5 चूना खदानों से निकलने वाले ओवरलोडेड ट्रक बताए जा रहे हैं। संबंधित पुलिस अधिकारियों के अनुसार संगड़ाह थाना क्षेत्र में कहीं भी वेट ब्रिज अथवा धर्मकांटा न होने के चलते ऐसे ओवरलोडेड वाहनों के ना तो चालान किए जाते हैं और ना ही इन पर नियमानुसार अन्य कार्यवाही की जा सकती है। 43 साल पहले बना यह पुल इससे पहले वर्ष 1998 भी जानकारी के अनुसार क्षतिग्रस्त हो चुका है और विडंबना यह है कि अब तक विभाग द्वारा यहां नया पुल बनाए जाने की डीपीआर तक तैयार नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक पुल के वर्टिकल पोस्ट का एक गर्डर धस गया था जिसके चलते पुल टेढ़ा होने लग गया था। दनोई पुल से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर हालांकि ददाहू में भी 1973-74 में पुल का निर्माण किया गया था मगर उक्त पुल के लिए सरकार द्वारा 14,27,00,000 का बजट उपलब्ध करवाया जा चुका है और इस पुल का निर्माण कार्य भी 15% के करीब हो चुका है। उपमंडल संगड़ाह व चौपाल को जिला मुख्यालय नाहन पांवटा व चंडीगढ़ आदि क्षेत्रों से जोड़ने वाले संगड़ाह रेणुका जी मार्ग पर दनोई स्टील ब्रिज की जगह नए पुल की डीपीआर तैयार न होने अथवा सरकार द्वारा इसके लिए बजट उपलब्ध न करवाए जाने से क्षेत्रवासियों में नाराजगी है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता संगड़ाह रतन शर्मा ने कहा कि पुल की मुरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है तथा एसडीओ मैकेनिकल द्वारा इस बारे रिपोर्ट भेजे जाने के बाद यहां ट्रैफिक व्यवस्था बहाल हो जाएगी। अधिशासी अभियंता ओवरलोडेड वाहन गुजरने के चलते उक्त पुल के क्षतिग्रस्त होने संबंधी अपनी ओपिनियन अथवा रिपोर्ट पहले ही दे चुके हैं।